हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। तो आज है जीतिया का नहाई खाई और इस बार जो है जीतिया जो है 2 दिन हो गया है। तो मैं जो है मिथिला पंचांग का जीतिया करती हूँ, तो इसलिए आज मैं नहाई खाई कर रही हूँ। और नहाई खाई हम लोगों में कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग भी कैसे मनाते हैं तो बताना। तो हमारे में नहाई खाई के दिन जो है नहा कर भींगे हुए शरीर में जो है भींगे हुए कपड़े में इस जीरा के पत्ते पर जो है ना तेल और खली दिया जाता है। सरसों का तेल और खली और सिंदूर से जो है टीके लगाए जाते हैं। और साथ में हम लोगों में चढ़ता है खिचड़ी, जो कि मैं अरवा चावल का खिचड़ी बनाऊंगी। और उसमें ही जो है कच्चा दूध, केला, चीनी या गुड़ हो देखे साथ चढ़ के बना के चढ़ाया जाता है। और मिठाई वगैरह जो है, तो हम लोगों में 2 टाइम पूजा होता है, एक दिन में होती है और एक रात के टाइम में, सुबह के टाइम में पूजा होती है। तो आप लोगों से मैं आज का जो है वीडियो शेयर करूंगी। और एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जो है मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं है। मुझे ही कुछ शूट करना है और पूजा भी करनी है, तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। तो अभी मैं दिखाती हूँ अभी क्या सब लेकर आई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह ले आया है और ये जीरा का पत्ता है। बहुत लोग जो है बांस के पत्ते भी चढ़ाते हैं, पर मैंने चढ़ाती हूँ। और मैंने यहाँ केला वगैरह प्रसाद, आज जो है हमारा प्रसाद के लिए इतना ही काफ़ी है। और रात के प्रसाद में जो है चूड़ा लगता है, दही लगता है, मिठाई, केला, पान, ये सब लगता है। तो रात वाला तो रात को देख लेंगे, अभी फ़िलहाल ये है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने। जीला पत्ता है और इस पर भी जो है मैं अभी तेल खड़ी दूंगी। यहाँ मैंने खली भिंगा कर रख लिया था और इसी को जो है देना पड़ता है। तो अभी कोई नहीं है, तो सिर्फ छोटी वाली बेटी थी, तो उसी को मैंने टीका लगा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा करने के बाद जो है टीका वगैरह बच्चों को लगा दिया जाता है। जैसे हम लोगों की मम्मी सासू माँ लोग करते आई है, वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं टीका वगैरह लगा दूँगी और बेटे को भी नहला दूँगी। तो अब उसके बाद जो है, तो यहाँ पर मैं बिठा दी हूँ खिचड़ी और एक तरफ मैंने बिठाया है दाल। ये खिचड़ी जो है मैं ऊपर मंदिर में चढ़ाऊँगी और अभी मैं जो है ले लूँगी पत्ते और इसी पत्ते में जो है प्रसाद चढ़ाना है मुझे। क्योंकि एक्चुअली झींगा का पत्ता और झिंगली का पत्ता दोनों लगता है, तो मेरे पास झींगा का पत्ता था तो मैं इसी झिंगली के पत्ते में जो है प्रसाद चढ़ाऊँगी। केले के पत्ते में हमारे यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, इस पूजा में नहीं चढ़ता है, अदरवाइज़ सभी पूजा में केले के पत्ते में ही प्रसाद चढ़ते हैं। तो जीतिया में जो है हमारे यहाँ इसी पत्ते में जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जब मैंने खिचड़ी बनाई है उसी में मैं जो है मैं दूध, केला, चीनी, गुड़ जो भी है सब डालकर जो है प्रसाद मिलाकर बनाऊंगी और वही प्रसाद जो है मंदिर में मैं चढ़ाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ पर मैंने रख दिया है खिचड़ी ठंडा होने के लिए। और अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध, चीनी, केला और इन सब को मिक्स करके जो है मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और ये दो जो है मैं बाहर चढ़ाऊंगी। बाहर जो है छत के कोने में चढ़ाती हूँ मैं। तो ये प्रसाद चढ़ गया और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रखी थी कि छत पे एकदम चला नहीं जा रहा था, तो फिर भी मैं जल्दी से जाकर जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाई। और ऐसा कहा जाता है कि ये पितरों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं दोनों कोनों में जो है प्रसाद चढ़ाकर आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर देखिए चावल दाल में बिठा कर गई थी और काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ भिंडी की भुजिया मैंने काट कर किया था, तभी मैं भिंडी बनाऊँगी और थोड़ा सा शरबत पीऊँगी। देखिए 1:30 बज गया है और बिटिया रानी को मैंने कहा था कि सब्ज़ी छिल के रखने के लिए, तो यहाँ पर इसने सब्जी वगैरह छिल के रखा है, तभी मैं काट के फटाफट बैठा दी। तो अभी मैं पूजा देकर आई हूँ, तो मैंने दिखा दिया कि खाना बन ही रहा है। और अकेले बहुत दिक्कत हो जाता है, बेटी भी नहीं थी तो वो भी स्कूल गई थी, अभी आई है। और गर्मी इतनी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रही कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैंने फटाफट किसी तरह पूजा वूजा किया। अब जो है मैं
फिर से खाना बनाऊंगी। अब सिर्फ पकाना है और खाना है, सब्जी दोनों गैस पे बिठा दूंगी, हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पेंट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।